हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। तो ये स्पेशल वीडियो डीडीयू जेकेपी यानी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी दोनों के लिए, यानी डीडीयू जेकेपी एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी दोनों के लिए बीएससी थर्ड ईयर के लिए स्पेशल। और ये पेपर आपका है सेकेंड है, कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो इस पेपर में ऑलरेडी दो चैप्टर कराए गए हैं। एक तो आपको बेसिक पूरा क्लियर करा दिया गया है और दूसरा आपका एनालिटिक फंक्शन करवाया गया है। आयु दो चैप्टर करा गया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, पहले आप वो दोनों चैप्टर जरूर वॉच कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, आप पढ़ लीजिए ताकि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो पहले आपको पता चल जाए। फिर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपका बेसिक ठीक है तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, चार व्हाट्सअप लिंक दिए गए हैं ग्रुप के, जिसमें आप चाहें उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस। अभी हम कैलकुलस ऑफ COB, आप वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पेपर नहीं जा रहे हैं, अभी हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के जो आपके चार पांच चैप्टर हैं, जैसे ये हो गया कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, उस पर सिंगुलरिटी है, उसका रेजिड्यू आप कम्प्लेक्स एनालिसिस जो है रेजिड्यू है वो दो तीन चैप्टर जो है कंटिन्यूसली हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे COB जाएंगे। बीएससी थर्ड ईयर के और भी लेक्चर अपलोडेड हैं, जाके आप प्लेलिस्ट में हमारे देख सकते हैं और अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। देखिए, कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक डेफिनेशन है, अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली आपको कांची थ्योरम से स्टार्ट कर देता, लेकिन नहीं, थोड़ा सा जो बेसिक डिफिनेशन है उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से करते रहेंगे, बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहला समय आता है कंटिन्यूस आर का क्या होता है, व्हाट इज कंटिन्यूस आर, समझते हैं। इफ अ पॉइंट जेड ऑन एन आर इज सच दैट, जेड एक हमारा पॉइंट है ऑन एन आर्क इज सच दैट, जेड इजकल टू क्या कंडीशन दिया गया यहां पर, जेड इजकल टू फाई टी प्लस आयटा साई टी, यानी जेड जो है आपका जो पॉइंट है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, फाई टी प्लस आयटा साई टी, वेयर एक्स इजकल टू फाई टी एंड वाई इजकल टू साई टी। आप समझ आ रही है। नाउ इफ बोथ फाई टी एंड साई टी आर रियल कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ रियल नंबर, अब देखिए ये कंडीशन क्या है, फाई टी और साई टी जो है वो क्या हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो ऑफ द रियल वेरिएबल टी, यानी टी में वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, डिफाइन इन द रेंज, और उसका रेंज टी का कहां से कहां होना चाहिए, दिस अल्फा लेस देन इक्वल टू टी और लेस देन इक्वल टू बीटा, देन द आर्क इज कॉल्ड कंटिन्यूअस आर्क। समझ में आ रहा है, जेड एक ऐसा पॉइंट हम लेते हैं ऑन एन आर्क, उसका क्या है पॉइंट कैसा है, फाई टी प्लस आइटा साई टी, जहाँ फाई टी जो है और साई टी जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होंगे ऑफ द रियल वेरिएबल टी में। ठीक है, और उसका रेंज कहाँ कहाँ से होना चाहिए, टी का रेंज अल्फा लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू बीटा, देन आर्क इज कॉल्ड कंटिन्यूस आर्क। नेक्स्ट आता है हमारा कर्व आर पाथ, कर्व या पाथ दोनों की बोल सकते हैं हम, कंटिन्यूस कर्व आर पाथ इन सी, सी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पता ही होगा। ठीक है, इज अ कंटिन्यूस मैप, एक हमने क्या कर दिया, कंटिन्यूस अ कंटिन्यूस कर्व या पाथ इन सी में एक ऐसा लेते हैं जो गामा, कंटिन्यूस कर्व मैप गामा, इसको क्या बोलेंगे, गामा फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कामा बी सबसेट ऑफ आर इन टू आर, दैट इज यानी एक फंक्शन हम डिफाइन करें कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल ए कामा बी से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक। ठीक है, सच दैट गामा टी इजकल टू एक्स टी प्लस आई वाई टी, और टी कहां से बिलोंग करना चाहिए, ए कामा बी जो क्लोज इंटरवल से होगा, एज गामा इज कंटिन्यूस पाथ आर कर्व, एक्स टी एंड वाई टी आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टी एंड गामा ए एंड गामा बी आर कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक्स टी इजकल टू वन बाई टी, वाई टी इजकल टू टी। ठीक है, इसका लिया गया इंटरवल 1,3 लिया गया है, हाँ ये ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूस है, तो इसी को बोलते हैं हम पाथ या क्या बोलते हैं,
कर्व बोलते हैं। तो वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर लिए, नेक्स्ट डिफिनेशन हम देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट डिफिनेशन समझते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन जो हमारा क्या है, जार्डन आर्क। क्या है हमारा जार्डन आर्क? इफ गामा टी इज अ कंटिन्यूअस कर्व, टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कामा बी, एंड फॉर एनी टी वन लेस देन टी टू, टी वन लेस देन टी टू, गामा टी वन नॉट इक्वल टू गामा टी टू, फॉर एवरी टी वन टी टू बिलोंग टू ए कामा बी, देन पाथ इज कॉल्ड जार्डन आर्क। मतलब कोई भी आपका गामा टी डिफाइंड हो और जो उसका टी बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, ए और बी पे क्या हो, इक्वल ना हो, तो हम कहेंगे क्या वो कर्व क्या है, जार्डन आर्क। उस टाइप का जो भी हमारा आर्क होगा उसे बोलेंगे जार्डन आर्क। एग्जाम्पल देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। हमने गामा टी इज इक्वल टू ई का पावर आइटा टी लिया, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस टी प्लस आइटा साइन टी। अब देखिए जॉर्डन आर्क है, कैसे, जब हम टी बराबर जीरो लेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, और जब हम टी बराबर पाई लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आएगी। यानी गामा जीरो पे और गामा पाई पे ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो आर्क जो डिफाइंड है गामा टी वो क्या है, एक जार्डन आर्क है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? गामा टी जो वैल्यू डिफाइंड है, जो इंटरवल डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए कमा बी डिफाइंड है, ए और बी पे दो उसकी वैल्यू जो क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस प्रकार के जो भी आर्क होगा उसे हम जार्डन आर्क बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें आ रहा है जार्डन कर्व। इफ गामा टी इज जार्डन आर्क ऑन ए कामा क्लोज इंटरवल ए कामा बी सच डैट। अब देखिए जार्डन आर्क में क्या था कि जो वैल्यू है ए कामा बी पे क्या है, चाहे इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप मिल जाए, दो वैल्यू आपको ऐसा मिल जाए जिन पर ये क्या हो, जैसे इसमें ये था डिफिनेशन था कि ए कामा बी से कोई भी दो वैल्यू, कंडीशन ये है कि टी वन लेस टी टू हो, वो दोनों वैल्यू पे क्या हो, वो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ जाए गामा टी की, तो उस पर उस आर्क को हम जार्डन आर्क बोलते हैं। अब सिंपल जार्डन कर्व में देखिए, गामा टी या जार्डन आर्क ऑन ए कामा बी कोई इंटरवल सच डेट, अगर इसके ए कामा बी पे ए और बी पे दोनों ये जो भी आपका गामा टी डिफाइंड रहेगा अगर इक्वल आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड जार्डन कर्व। समझ में आ रहा है? जार्डन कर्व किसे कहते हैं, जार्डन आर्क पे वो इक्वल इक्वल नहीं आएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगा। गामा टी जो होगा, इंटरवल से दो कोई वैल्यू लीजिए आप, ए कामा बी से दो कोई वैल्यू लीजिए, और पहला कंडीशन है कि जो टी वन आप ले रहे हो इंटरवल से टी टू से लेस हो, और दोनों पे अलग अलग वैल्यू क्या हो, अलग अलग आए, गामा टी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट वैल्यू आए, तो उस तरह के जो भी आर्क बनेगा उसे हम बोलेंगे जार्डन आर्क। और जार्डन कर्व में देखिए दोनों वैल्यू पे, वो वैल्यू ए और बी पे जो भी इंटरवल से वैल्यू आप लेंगे, टी की वैल्यू लेंगे, वो दोनों अगर इक्वल आ जाता है तो उस कर्व को हम बोलते हैं जार्डन कर्व बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जार्डन कर्व, मतलब उस आर्क को क्या हम बोलते हैं, जार्डन कर्व बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इफ गामा टी या जार्डन आर्क ऑन ए कामा बी, ठीक है, सच डैट गामा इज इक्वल टू गामा बी, देन इट इज कॉल्ड जार्डन कर्व। एग्जाम्पल देखिए, गामा टी इज इक्वल टू ई के पावर आइटा टी, कॉस टी प्लस आइटा साइन टी हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इंटरवल लिया हुआ है, टी अगर जीरो कामा पाई लेते हैं तो ये जार्डन आर्क बनाएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है तो ये जार्डन आर्क बनाएगा। जीरो कामा अगर टू पाई लेते हैं तो जार्डन कर्व बनाएगा, क्या बनाएगा, जार्डन कर्व बनाएगा, कि वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जीरो कामा थ्री पाई लेंगे, जीरो कामा थ्री पाई अगर हम लेते हैं तो ना तो ये जार्डन आर्क बनेगा और ना ही जार्डन कर्व बनेगा। नेक्स्ट डिफिनेशन आता है क्लोज कर्व। व्हाट इज क्लोज कर्व? इफ अ गामा सच डेट क्लोज इंटरवल ए कमा बी टू सी एज गामा टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आइटा आइटा वाई टी, इफ गामा ए इज इक्वल टू गामा बी, देन गामा इज क्लोज कर्व। देखिए इसका मतलब क्या होगा, जार्डन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व होता है, क्या होता है, क्लोज कर्व होता है, क्योंकि यहाँ भी वही डिफिनेशन है। तो जो जार्डन आर्क कर्व होगा वो हमारा क्या होगा, क्लोज कर्व बनेगा। मतलब एक ऐसा मैपिंग डिफाइन किया जाए क्लोज इंटरवल ए बी से लेके सी पर, ठीक है, जिनकी जो गामा ए और गामा ए की जो वैल्यू हो वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इस प्रकार जो मैपिंग होगा हमारा, हाँ, वो क्या होगा, क्लोज कर्व होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, गामा टी इज इक्वल टू ई के पावर आइटा टी,
0.25 तक क्या है क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया बेसिक डिफिनेशन। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट समझते हैं कंटूर। कंटूर के बारे में ऑलरेडी बेसिक में बताया गया आपको। देखिए इसमें इफ अ कैपिटल ए बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट आर्क, जहां से वो आर्क स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कैपिटल ए है, एंड बी द एंड पॉइंट द लास्ट आर्क, और बी हमारा क्या है जहां से वो आर्क क्या हो रहा है लास्ट हो रहा है उसका एंड पॉइंट है, देन द इंटीग्रल अलोंग सच कर्व डिनोटेड बाय एज। कोई भी अगर हमारे पास आर्क है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कैपिटल ए है और उसका जो एंड पॉइंट है जहां से वो आर्क क्या हो रहा है एंड हो रहा है वो बी है, उसको हम इंटीग्रल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इंटीग्रल ए बी इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। ठीक है, इफ स्टार्टिंग पॉइंट कैपिटल ए ऑफ फर्स्ट आर्क कोइंसाइड, क्या बोला गया यहां पर कोइंसाइड विथ एंड पॉइंट बी, अगर मान लीजिए हमारा जो स्टार्ट हो रहा है जहां से आर्क कैपिटल ए और बी है एंड पॉइंट से वो कोइंसाइड हो जाएगा ऑफ द लास्ट आर्क, देन कंटूर ए बी इज कंटूर ए बी इज सेट टू बी क्लोज, देन द कंटूर ए बी इज सेट टू बी क्लोज। मतलब अगर जहां से आर्क स्टार्ट हो रहा है और जहां एंड हो रहा है उसका एंड पॉइंट क्या है आर्क का बी है, तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इस तरह से डिनोट करेंगे। अब देखिए जब ये इसका ए कैपिटल ए और बी जो एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग आर्क का जो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट क्या है बी है, जब ये कोइंसाइड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ए बी को हम क्या बोलेंगे सेट टू बी क्लोज्ड। कोइंसाइड में तो समझ रहा हूं दोनों इक्वल हो जाए, द इंटीग्रल अलोंग सच क्लोज कंटूर इज रिटन एज, और इस तरह से जो हमारा इंटीग्रल होगा क्लोज कंटूर का कैसे लिखते हैं इस तरह, बहुत हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बहुत लिखेंगे इसको। हाँ कैसे पढ़ते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ये ओवर सी एफ जेड डी जेड, इसको कैसे पढ़ेंगे एंड इज रीड एज इंटीग्रल एफ जेड टेकन ओवर द क्लोज कंटूर सी, इसको कैसे पढ़ेंगे इंटीग्रल एफ जेड टेकन ओवर क्लोज कंटूर सी, इसके बारे में हम बहुत पढ़ेंगे आपको हर जगह आएगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, इसको क्या पढ़ेंगे क्लोज कंटूर एफ जेड, कैसे पढ़ते हैं इसको इंटीग्रल एफ जेड टेकन ओवर क्लोज कंटूर क्या क्लोज कंटूर सी है ना, तो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे। ठीक है, इस इंटीग्रेशन के बारे में, तो कोई भी आर्क हमारे पास है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए है और उसका एंड पॉइंट आर्क का बी है, जब दोनों ये कोइंसाइड हो जाते हैं तो ए बी को हम बोलते हैं क्लोज बोलते हैं। द इंटीग्रल अलोंग सच क्लोज कंटूर इज रिटन एज दिस फॉर्म एफ जेड इंटीग्रल एफ जेड टेकन ओवर क्लोज कंटूर सी। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, रेक्टेंगल हो गया, हाँ बाउंड्रीज आप क्या हो गया ट्रायंगल हो गया, कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, वीडियो स्टार्ट करके उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जो आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है जो कुछ और इसके जो आगे के टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ये जो डिफिनेशन है इसको एक बार आप रिमेंबर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस पार्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जो भी लेक्चर हुए हैं कॉम्प्लेक्स क्लासेस के उसको आप जरूर देख लें, अपना नोट्स बना लें। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, तब तक थैंक यू, बाय बाय।